गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं सौरभ आ चुका हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग मोटो ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45। एक गुड न्यूज़, आप लोग का माइक का जो प्रॉब्लम था ना, IGI एक्शन कैमरा का माइक का जो इशू था, वो हमने शॉर्ट आउट कर दिया है। ठीक है, उसका वीडियो आज 30 नवंबर है, आज के दिन ये पब्लिश होने वाली है 9 बजे। देखो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, 9 बजे ये पब्लिश हो जाएगा। बस 9 बजे का इंतज़ार है एंड आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमें काफ़ी सारे भाई ने माइक का प्रॉब्लम करके कमेंट किया था, तो मैंने सोचा बना ही देता हूँ। ठीक है, एंड कहाँ मिलेगा वो चीज़ भी मैंने वीडियो में बताया कि आपको इसका सॉल्यूशन कहाँ से परचेज़ करना है। मतलब सॉल्यूशन नहीं, मतलब आपको जो सामान चाहिए एडाप्टर वगैरह वो कहाँ से परचेज़ करना है वो मैंने वीडियो में दिया है। तो काइंडली जाओ वीडियो को देखो फटाफट से, एंड ये वीडियो तो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, तो आप लोग देख लेना। ये तो एक दिन के बाद का वीडियो है, और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसको देख लेना। एंड मैं आई बटन में भी पिन कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी तो देख उबेर सकते में हो। फाइनली एक राइड आई है। आधा घंटा वेट करने के बाद कोई संदीप नाम का लड़का है, एंड आई हैव टू वेट एंड देखता हूँ। ये शोभा बाज़ार जाने वाले हैं, शोभा बाज़ार, एंड देखता हूँ ये भैया कहाँ पर है। मैंने तो मैसेज किए हैं इनको। ओके, आई एम कमिंग। चलो, इन्होंने भी मैसेज कर दिया। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो इनका ही बिल बन रहा है, देखो टाइमिंग लगा हुआ है ना, तो इनका ही बिल बन रहा है। जितना लेट करेंगे ये इतना इनको ही दिक्कत है। मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, पीछे रहना था मेरे को। ये लो इनका कॉल भी आ गया, बात कर लूँ। तो भैया को थोड़ी सी लेट होने वाली है, उनको आने देते हैं। मैंने अपना माइक को जो है ना अंदर तक अच्छे से हेलमेट के अंदर माउंट किया है, एंड आई होप कि आप लोगों को साउंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिख रही होगी अकॉर्डिंग टू इंटरनल माइक। ठीक है, इंटरनल माइक से बेहतर आप लोगों को क्लियरिटी शो कर रही होगी अभी। तो भैया आ चुके हैं, इसको स्टार्ट करता हूँ। क्या पीने? चलो मैं भी ऑन कर लेता हूँ, और भैया को हेलमेट दे देता हूँ सबसे पहले। ये लीजिए। दस किलोमीटर की राइड, चलो कोई बात नहीं, इससे बड़ी बड़ी भी राइड आई है हमारे पास। चले एंड ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये मैंने 4K 30 में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा मेमोरी कार्ड जो उतना भी फास्ट नहीं है, तो मैं 4K 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ। एंड पिछली बार जो मैंने किया था पता नहीं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वालिटी जो था ख़राब थी, बट इस बार आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी दिख रही होगी, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पर सेटिंग की थी इसमें। ठीक है, एंड मैंने चेक किया था तो क्लियर था, एंड अभी का मुझे पता नहीं कि कैसी आ रही है। चलो निकलो यहाँ से जल्दी से। तभी भी आप लोग एक्शन कैमरा के लिए माइक जो अपने हेलमेट में माउंट करते हो ना, तो अपना मुंह के पास कभी भी ना लगाएं। ठीक है, इससे आपको ही परेशानी होगी, मतलब परेशानी आपको नहीं, जो आपका वीडियो चैनल देखेगा वीडियो देखेगा तो उनको क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। आपकी जो एयर है मुंह से जो निकलने वाली एयर होती है वो भी उसमें आएगी, जिसके कारण आपका क्लियर साउंड नहीं होगा। तो हमेशा थोड़ा सा लेफ्ट साइड करके लगाएं या तो राइट साइड करके लगाओ, इससे क्या होगा आप लोग आराम से। यार ये ट्रक वाले को क्या हो गया, जाम करके रखा हुआ, आई थिंक टायर पंचर वगैरह हो गया होगा, अभी ठोक देता।
तकलीफ ना। भैया की हो गई है राइट कंप्लीट। वन जीरो सेवन लाई लाई। बिल्कुल लीजिए। हाँ आप यहीं से हैं या वो अजीले वन से हैं? वहीं से हैं। अच्छा हाँ। रेडिंग कर दीजिएगा। चलो वेलकम। चलो मेरी आज की फर्स्ट राइड कंप्लीट एंड यहाँ पे दिख रहा है पूरा रेट जिस जगह पर मैं हूँ। देखता हूँ राइड मिलती है नहीं। मैं रैपिडो भी यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। ये हो गई ऑन और उसके बाद इसको भी ऑन कर ही लेता हूँ ओला को। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मैंने सोचा कि निकल ही क्यों ना जाऊँ यहाँ से। ठीक है राइड तो आ नहीं रही थी। मैं कोलकाता स्टेशन आ गया क्या? हाँ मैं कोलकाता स्टेशन आ चुका हूँ। एंड इधर से मुझे रास्ता क्यों दिखा रहा है ये कोलकाता चितपुर बोलो आप इसको, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। चितपुर कोलकाता स्टेशन, यहाँ से भी शॉर्टकट है हमारा तो इसलिए दिखा रहा है आई थिंक। तो 8 बज गए हैं एंड ये चीज़ देखो, 10 रुपये का बूस्ट कहीं पर भी रहो कोलकाता के अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी। ये कहाँ से आपको मिलेगी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जाओगे अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। आपको आपके स्टेट में आपके सिटी में है या नहीं पता नहीं मेरे को, बट हमारे पास अभी अवेलेबल है। देखो यहाँ पे 30 तारीख का ये चल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है 30 नवंबर, ठीक है 30 नवंबर एंड ये 1 दिसंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 दिन का मिला हुआ है। राइड तो आ नहीं रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने भी रैपिडो ओला उबेर के भाई जितने भी हैं सब यहाँ पे ड्रॉप करने आ रहे हैं पिकअप। किसी को भी नहीं मिल रही है आई थिंक, कोई ट्रेन वेन नहीं आई होगी। तो अभी मैं इधर से निकलता हूँ। देखो कोलकाता स्टेशन कितना खाली पड़ा हुआ है। सॉल्ट लेक सेक्टर 3 सेक्टर 3 अभी मैं हूँ कहाँ? ओह मुझे तो उस तरफ जाना पड़ेगा। जाने से रहा मैं अभी। चलो अरे इस तरफ तो आ गया, एक राइड मिली है मुझे। ठीक है सॉल्ट लेक सेक्टर 3 जाना है इनको और रैपिडो की राइड है तो चलो इनको पिकअप करते हैं। पिकअप ही तो लंबा है ना यार, यही तो एक प्रॉब्लम आती है पिकअप इतना लंबा देने पर।
दोनों साइड गाड़ियाँ लगा दी है। लोकेशन पे पहुँच गया मैं एंड ये भैया सामने से आ रहे हैं। नेचुरल सिटी। पिन बताइए भैया। पिन 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 ये वरना ऑनलाइन पेमेंट। ओके ओके 65। सौरभ कुमार। हाँ रेटिंग कर दीजिएगा। चलो भैया की राइड हो गई कंप्लीट। 65 कैश कलेक्ट। यार 81 वहाँ पे समथिंग शो कर रहा था और यहाँ पे मुझे 65 कैश कलेक्ट करने के लिए बोला। देखता हूँ अभी अपडेट करने के बाद। अरे बैग भी क्या हो गया। इसको रेटिंग दे देता हूँ, फ्रेंडली थे। चलो नेक्स्ट। इसका 92 मिला मुझे। देखो दिखाया 81 एंड दिया मुझे 27 एक्स्ट्रा, देख सकते हो। ठीक है 65 कैश कलेक्टेड, 27 ऐड किया गया हमारा वॉलेट में, टोटल 92 रुपीज़। वेरी गुड। 12 रुपये हमारा पिकअप का दिया, ठीक है, और 15 रुपये हमें। तो एक और राइड आ चुकी है मेरे को रैपिडो में, तो उबेर को कर देते हैं बंद। ठीक है, उबेर भी आज कितना ख़राब हो चुका है, नहीं तो उबेर इतना राइड देता है ना। एंड देखता हूँ ये कहाँ का है। आलिया यूनिवर्सिटी जाना है मुझे, तो ज़्यादा दूर नहीं है। 1.4 किलोमीटर, तो मैं इतना घूम के नहीं जाऊँगा, मैं इधर से जाता हूँ। तो भैया मिल चुके हैं। रोहन पिन बताइए। 8166। ओके ओके 8166। एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैं राइड को कंप्लीट करता हूँ। 67 अमाउंट तो मुझे कुछ अलग ही दिखाया गया था। देखता हूँ इसका मुझे रैपिडो कितना देता है। चलो रेटिंग वेटिंग कर दो भैया को। 154 लास्ट ट्रिप 61 दिखा रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड शाम के बज रहे हैं 6:45, मतलब 5:47, और मैं शॉप में बैठा हुआ था एंड मुझे एक राइड आई हुई है सेक्टर 5 जाने के लिए, शॉर्टलिक सेक्टर 5। तो इस राइड को कंप्लीट करते हैं। एंड मैं निकला था पहले ही, बट थोड़ा सा राइड आने में लेट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको लोकेशन देख लेता हूँ। ये पास में ही है कहीं पे। ये हमारा शॉप का जो पार्किंग एरिया है उधर हूँ मैं। चलो फटाफट पिकअप करते हैं एंड इनको ड्रॉप करते हैं इनकी लोकेशन पर।
लोकेशन तो यहीं का दिखा रहा है एंड आई एम वेट। थोड़ा सा आगे ले लेते, चलो यहीं पे पास में ही दिखा रहा था तो मैं इनको टैग कर देता हूँ आई एम अराइव्ड। वहाँ पे चलो भैया भी आ गए हैं। पिन बता दीजिए, पिन बता दीजिए। 7476। शॉर्टलिक में कहाँ काम करते हैं? जॉब के लिए जा रहे हैं ना? नहीं नहीं काम तो करता है, इधर बाइक के लिए आया था। अच्छा अच्छा यहाँ बाइक? हाँ सेकंड हैंड दो शोरूम में नहीं थे। हाँ हाँ अच्छा बजट हो रहा है, जो पसंद आ रहा है वो बजट में नहीं आ रहा है। कौन सा बाइक ले रहे हैं? सोच रहा थे अपाची का। अपाची का कितना बता रहा है? 75-70। कितना किलोमीटर चला हुआ गाड़ी? अच्छा अच्छा तो गाड़ी अच्छा है, मतलब गाड़ी अच्छा है। उसमें आपको ये जो आपको गाड़ी दे रहा है क्या क्या इसमें सर्विसेज दे रहा है, वारंटी वगैरह दे रहा है? तारामा में दे रहा है। अच्छा ये आदित्य नहीं दे रहा है? अच्छा उधर तीन सर्विसिंग भी दे रहा है। हाँ, प्राइस सेम? हाँ, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, 65। थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको ये कितना माइलेज देता? ये मेरा 60 का भी माइलेज दे रहा है। इधर से नहीं जाना है। अभी इधर नया नया खुला है ना। टीवीएस का कौन सा ले रहे हैं? टीवीएस का कौन सा ले रहे हैं? टीवीएस का 2B 4B जो भी हो, लेकिन मुझे अच्छा आपको टीवीएस ही चाहिए। इतना अच्छा लगता है टीवीएस आपको? टीवीएस बहुत अच्छा लगता है क्या? एक्चुअली ये टीवीएस मेरा पहले था। अच्छा घर छोड़ दिया हूं तो। हाँ तो बाइक भी छोड़ना पड़ा। ओके चाहिए तो इमोशन दे। अच्छा हाँ ये बात तो है। अच्छा क्या करते हैं आप? कौन सा कंपनी है? कौन सा कंपनी है? हाँ हाँ बिल्कुल फ्लिपकार्ट में क्वालिटी एनालिस्ट। हमें पहले वहाँ एम पॉकेट था ना, जे एस पार्क नाम करके एक बिल्डिंग है उसी में काम करते थे एम पॉकेट में। हाँ पर मेरे को काम जो है ना थोड़ा सा ये पसंद नहीं आया इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। अब वो टारगेट बेसिस पे काम कराते हैं ऐसा ना, और ठीक है उसके बाद क्या होता है इसमें तो सैलरी भी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। बात नहीं 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 11-10.5 ऐसे मिलता था। हाँ फ्लिपकार्ट में क्या काम है? कस्टमर सर्विस। अच्छा अगर एक्सपीरियंस है हाँ तो अच्छे पोस्ट के लिए ऑफर कर सकते हो। ओके कॉल कर सकते हो। हाँ अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो एज ए फ्रेशर फ्रॉम तो वो कस्टमर सर्विस में जाना पड़ेगा। सैलरी भी अच्छा खासा है। हाँ फैसिलिटीज भी बहुत है। ना ना मैं नहीं पीता। नहीं दुकान में ले लूँ? अच्छा खाता चलता है क्या? खाता वो सिक्सटी सेवन। हाँ हाँ दे रहा हूँ, एक राइड और आ चुकी है। भैया नंबर दे दीजिए आप अपना।
भाई आए हुए थे हमारे एरिया में सेकेंड हैंड बाइक खरीदने के लिए। एक्चुअली वहाँ पे हमारा एरिया में ना 3-4 बाइक शोरूम है सेकेंड हैंड बाइक का, ठीक है। तो वही वो परचेज करने के लिए आए थे एंड अमाउंट ज़्यादा लगा जिसके कारण वो बाइक को नहीं लिए। आप है क्या? चलो मेरा सेकेंड राइड भी आ गया तो उसको भी कंप्लीट करता हूँ। ये लीजिए मेरा सेकेंड राइड, और छोटा सा है 4.2 किलोमीटर एंड ये सेक्टर 5 है। इवनिंग के टाइम में ऐसे ही यहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो जाती है अभी से लेकर के 10-11 बजे तक। मैं भी जॉब करने आता था, इसी तरह क्राउड मिलती थी। मेरे इसके अपोजिट वाले गली में बिल्डिंग था, देख रहे हो ट्रैफिक। सेक्टर 5 में आप 4-5 बजे के बाद आओगे ना ऐसे ही ट्रैफिक आपको मिलेगा। एंड ये वाला तो सिग्नल कुछ नहीं है, इसके आगे वाला पहला वाला जो सिग्नल है वहाँ का मैं दिखाता हूँ आपको। एक बार मैंने इसी यही वाला सिग्नल फैल भी गया था जिसके कारण लास्ट टाइम मुझे 500 का पेमेंट करना पड़ा। एक्चुअली वो चलान बना रहे थे हमारा, तो मैंने बोला चलान वाला नहीं चाहिए मेरे को क्योंकि ऑफिस रहता है तो कौन लाइसेंस छुड़ाने को जाएगा। आप एक काम करो 500 रखो, मैंने 200 पहले ट्राई किया था 100-200 में काम चला लूँ, बट वो मान ही नहीं रहे थे, लास्ट में 500 का पेमेंट करना पड़ा। वाह आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे 1 भी कर दिया गया, पहले 2 भी था, तो इसी का फ़ायदा उठाओ। उधर से भी जाना है, इधर से भी आना, एक्चुअली ये आने वाला रास्ता है। तो इवनिंग के 6 बजे के बाद इसको चालू कर दिया जाता है जाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर बंदे निकलते थे, वो ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस जब छुट्टी होता है सब भागते हैं अपने अपने घर। मेरा गाड़ी भी सर्विस चाहिए बिकॉज़ ये कभी कभी जब ज़्यादा हीट हो जाता है चलने के बाद, इंजन इसका गर्म होता है, मैं सिग्नल पे खड़ा रहता हूँ ना, तो इसका सेल्फ भी काम नहीं करता है एंड ऑटो जो है वो भी काम नहीं करता है। थोड़ी बहुत ये मिस्टेक हो रही है गाड़ी में एंड काफ़ी ज़्यादा साउंड वाउंड भी आ रहा है, तो ये सब चीज़ को लगता है मुझे दिखाने में ही फ़ायदा है। तो अभी नहीं करूँगा, 8,819 किलोमीटर हुई है गाड़ी की। ओ माय गॉड, ये तो पॉसिबल नहीं है। चलो इतनी पतली से रास्ते में कार कौन लेके घुसता है भाई, जहाँ पे दो बाइक अच्छे से ना चल पाए वहाँ पे कार कौन लेके घूमा था। तो मैं आ चुका हूँ अपने दुकान एंड आज का दिन मैंने मात्र 3.5 से 4 घंटे की ऑलमोस्ट राइड किया एंड जिसमें कि 3 राइड मुझे उबेर से मिला एंड 2 राइड रैपिडो से। टोटल अर्निंग आज की 314 रुपये एंड मैं पकड़ लेता हूँ आपका 70 रुपीज़ फ्यूल का खर्च, इतना लगा नहीं है तब भी मैं एक आइडिया लेके चलता हूँ। टोटल अर्निंग हुई थी हमारी 314 रुपये जिसके कारण मैं फ्यूल में 70 रुपीज़ माइनस कर रहा हूँ, देन हमारा बजट हो रहा है ऑलमोस्ट 250 रुपीज़। तो आई होप आप लोगों को ये हमारी राइड अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड फटाफट से वायरल कर दो वीडियो को क्योंकि
क्योंकि अब तो इस तरह की राइड आप लोगों को मिलती रहेगी। एंड जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट करो, इंस्टा को फॉलो करना मत भूलना भाई, इंस्टा के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।